हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल रूपा सोनू मलिक रूपा सोनू में स्वागत है। और अभी जो है सुबह के 8 बज चुके हैं और आज जो है मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है बार बार, और बारिश की वजह से मेरा काम भी नहीं हुआ है। अभी झाड़ू तो लगा दी थी मैंने, अभी पोछा रह गया है। मैं सोच रही हूँ कि बारिश देख लूँ आएगी या नहीं, तभी पोछा लगाऊँ, वरना फिर ऐसे ही हो जाएगा दोबारा। और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये देखिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ कितना अच्छा मौसम हो रहा है आज। ये देखिए कैसा मौसम हो रहा है आज, बादल भी हो रहे हैं, रात से ही हो रहे हैं बादल तो, लेकिन बारिश अभी आई है सुबह ही हल्की हल्की सी। और ये देखिए हवा भी चल रही है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है आज सुबह सुबह। और मेरे कपड़े भी सारे गीले हो गए, मैं काम कर रही थी जब बारिश आई, तो इसलिए मुझे और भी ज़्यादा ठंड लग रही है अभी। तो बारिश जो है अभी फ़िलहाल तो बंद हो गई है, तो अभी जो है मैं पोछा लगा लेती हूँ। पूरा दिन लगता है कि ऐसा ही मौसम रहने वाला है, तो चलिए अभी जो है मैं अपना पोछा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि पोछा ही रह रहा है लगाए बिना। देखिए पहले जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ पानी डालकर, क्योंकि यहाँ पे जो है गंदा ज़्यादा हो रहा था, पोछे से साफ़ नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर पानी डालकर साफ़ कर रही हूँ। और ये देखिए मौसम जो है अभी भी बारिश का हो रहा है, और आज लाइट भी जल्दी ही चली गई थी, रात को पता नहीं किस टाइम चली गई थी, और सुबह भी सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ही आई है, उसमें ही मैंने अपना पानी वानी भर लिया था। कुछ पानी तो मैं रात को भर के सोई थी, क्योंकि मौसम ख़राब था इसलिए मैंने रात को ही पानी भर लिया था, और कुछ पानी सुबह भर लिया था, और भरते ही लाइट भी चली गई थी। पोछा मैंने आज जल्दी इसलिए ही नहीं लगाया था क्योंकि मौसम ख़राब था, और मुझे लग रहा था कि बारिश आएगी और फिर ऐसा ही हो जाता, तो इसलिए मैंने पोछा नहीं लगाया था पहले। मैंने अपना और बाकी का जो काम था वो कर लिया था। मैंने सोचा था कि पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, मौसम देख के मौसम कैसा रहेगा, तो इसलिए जो है अभी मौसम कुछ साफ सा हो गया है। अभी मैं पोछा लगाने लग गई थी, बारिश भी बंद हो गई थी, और आज मैं राजमा और चावल बनाऊंगी, जल्दी बनाऊंगी क्योंकि मम्मी को और इन्हें मामा जी के यहाँ पे जाना है, तो इसलिए वो खा कर जाएंगे खाना, तो इसलिए मैं आज जल्दी ही खाना बनाऊंगी। बस पोछा लगाते ही मैं अपने खाने की तैयारी भी कर दूँगी साथ में। और अब जो है मैं कपड़ा मारने लग गई हूँ, क्योंकि रोज़ ही कपड़ा मारना पड़ता है, धूल मिट्टी आ जाती है, और पोछा लगाने के बाद सिर्फ कपड़ा मारना ही रह गया था, और बाकी का काम तो हो गया था। और फिर उसके बाद जो है मैं राजमा बनाऊंगी, चावल जो है मैंने बना लिए हैं। और अब जो है लाइट भी आ गई है, मैं थोड़ा और पानी भर लूँगी, क्योंकि आज मौसम ख़राब है तो पता नहीं चलता कभी फिर लाइट ना आए, तो इसलिए मैं कपड़ा लगाने के बाद और पानी भर लूँगी थोड़ा सा। और अब जो है मेरा काम हो गया है कंप्लीट, और अभी जो है बस मुझे राजमा छोंकना है, चावल तो मैंने बना दिए हैं, और मौसम भी अब कुछ साफ सा हो गया है, बार बार हल्की हल्की सी धूप निकल रही है, और कभी बारिश का मौसम हो जाता है कभी धूप निकल जाती है, आज पूरा दिन ऐसा ही रहने वाला है शायद। और बस अब जो है मैं राजमा बनाकर अपना बाकी का और काम देखूंगी, मेरे सिलाई का काम देखूंगी, क्योंकि मेरा वो जो सूट था जिसकी मैं इस्तरी कटिंग कर रही थी, मुझे उसे सिलना है, तो अब मेरा जो है सुबह का काम जल्दी हो गया है, और खाना भी बन गया है साथ में दोपहर का, तो अब मैं अपना सिलाई का काम कर लूँगी 1-2 घंटा बैठकर, और फिर उसके बाद जो है खाना वाना दे के दोपहर का काम भी हो जाएगा।
और इस टाइम जो है अब 2 बज चुके हैं और मैंने अभी मम्मी के और इनके कपड़ों पर प्रेस करके रखे थे क्योंकि इन्हें जाना है। मैंने बताया था कि ये आज मामा जी के यहाँ पे जाएंगे तो मैंने इनके कपड़ों पर प्रेस की थी। वैसे तो पहले भी कर रखी थी लेकिन एक बार फिर दोबारा से कर दिया क्योंकि रखे रखे थोड़े ख़राब से हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है मैं इनके जाने की ही तैयारी कर रही हूँ, इन्हें ही मोजे वगैरह रुमाल ये सब दे रही हूँ। और यहाँ पर जो है मैं अब मम्मी की चूड़ियाँ निकाल रही हूँ, देख रही हूँ कि कौन सी चूड़िया है मम्मी की। वो सिर्फ़ रेड कलर की चूड़िया ही पहनती हैं तो मैं यहाँ पर उनकी चूड़ियाँ निकाल के रख रही थी। और वो इस टाइम जो है नहाने के लिए गई हुई थी तो वो मुझसे बोल कर गई थी कि जब तक मैं ना गया हूँ मेरी चूड़ियाँ निकाल देना। और अब ये भी होने लग गए हैं रेडी और मैं इनको यहाँ पर परफ्यूम देने के लिए गई हूँ क्योंकि इन्हें नहीं पता था परफ्यूम कहाँ पे रखा है। और ये मामा जी के यहाँ पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मौसी जी वहाँ पे बात नोतने के लिए आई हुई हैं तो उन्होंने मामा जी ने फ़ोन किया था और मम्मी और ये जाएंगे आज वहाँ पे। और मैं इनसे बोल रही थी कि तुम दोनों चले जाओगे तो मुझे यहाँ पर डर लगेगा क्योंकि मैं अकेली रह जाऊँगी। देखिए आज ये बैठ गए हैं इस टाइम रेडी होकर। अब मुझे यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे आज ये मम्मी और ये दोनों जाएंगे आज। आज मैं जा रहा हूँ, पहले ये गई थी अपने घर। अच्छा मुझे छोड़ के आज मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तो 2 दिन के लिए गई थी। अब मैं 1 रात के लिए जा रहा हूँ। अब मेरे 2 दिन में भी ये बता कि 1 हफ्ते के लिए गई थी। ठीक है दोस्तों मैं जा रहा हूँ। जो है मम्मा जी के यहाँ की है बात नोतने की, जहाँ पे मम्मी और ये गए हुए हैं और इन्होंने मेरे पास ये वीडियो शेयर की थी तो इसलिए ये वीडियो जो है मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। चली